Rakhi Sawant, it's so good to see you. You're talking to us obviously from Dubai, and this is I'm your alive. first. I'm alive, Vicky. I'm alive. Yes, Zinda hoon main. you're alive. And it's your first interview after that whole medical problem you had, which landed you in the hospital. And आप प्लीज हमें बताइए कि ये सारा मेडिकल प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ? मैं शूटिंग पे जा रही थी. शूटिंग पे जाते जाते रास्ते में मेरे हार्ट में एंड मेरे स्टमक में एक झटका आया. आई डोंट नो व्हाट झटका वाज दैट. और सडनली मैं बेहोश हो गई. एंड माय फ्रेंड रितेश वाज ही वाज विथ मी. सो दैट टाइम वो मुझे नियर बाय हॉस्पिटल में ले गया, नियर बाय. सो डॉक्टरों को लगा कि मुझे हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक, यू नो, कार्डिया हार्ट अटैक आया. एंड सब कार्डियोग्राम, क्या बोलते हैं वो, सब चेक वेक 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 किया. ईसीजी एंड इंजेक्शन विंजेक्शन इमिडिएटली देखकर मुझे होश में लाए विद इन 2 डेज, 2 3 डेज. एंड फिर बॉडी चेकअप फुल करने करवाया, देन पता चला कि मेरे स्टमक में ट्यूमर है, यूट्रस में बड़ा सा. तभी मैं हमेशा डांस करती थी, आई सेड, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पेट में ब्लोटिंग क्यों हो रही है, ब्लोटिंग क्यों हो रही है, मुझे समझ में ही नहीं आता था. एंड इट वॉज अ बिग ह्यूज, जब उस 10 सेंटीमीटर बोला डॉक्टर ने, इट इज लाइक मेरे फेस से जस्ट आधा ही होगा, थोड़ा सा छोटा, यू नो. आई स्कैर्ड, मैंने ये क्या, इतना बड़ा कैसे हो गया. जब भी मैं कपड़े पहनूं तो मुझे स्टमक बड़ा लग रहा था मेरा. देन ओ माई गॉड, फिर मुझे उसके साथ यूट्रस भी मुझे प्रॉब्लम आया, देन मुझे यूट्रस भी निकाल देना पड़ा. उन्होंने बोला इफ जस्ट रिमूव ये तो यूट्रस में बहुत हार्म होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा. सो दे रिमूव्ड माय यूट्रस एंड माय ट्यूमर. इट वाज अर, मैं बिल्कुल कोमा में थी, बिल्कुल अनकॉन्शियस, आईसीयू में, टोटली समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं. जिंदगी भर इतनी मेहनत करी, हर पल जीना चाह रही थी, लेकिन जिंदगी कहाँ जीने देती है. जितनी ब्यूटीफुल जिंदगी है, जितना सोचते हैं कल जिएंगे, आज जिएंगे, आज जिएंगे, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कहाँ जी सकते हैं. जितने जो पल मिले उसी वक्त जी लो. तो सैड मुझे फील हुआ कि मैं मां नहीं बन सकती. एंड बस क्या बोलूं, अभी मैं, दर्द बहुत है अंदर, बहुत दर्द है, बट जिंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. ये तो बायोलॉजिकल है, बट यू कैन थिंक ऑफ एडॉप्शन ऑल्सो. या अडॉप्शन भी करूंगी एंड आई सेव माय एग्स इन फ्यूचर. पता नहीं शादी करूं नहीं करूं, पता नहीं, रितेश आपके साथ ही था सारा टाइम हॉस्पिटल में? बेचारा. हाँ वो मेरा दोस्त है रितेश, सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है, उस वक्त था. अभी वो आपके साथ चला है दुबई, जहाँ वापस चले गए हो? नो नो, इज नॉट विथ मी, वो तो अपने गांव में है. अच्छा. ही वाज जस्ट केम टू मुंबई टू जस्ट हेल्प मी. So why did you go away to Dubai? You should have stayed back, na? What was it? Was it that complaint which Adil has done that was bothering you? क्या था? या इट्स बॉदरिंग मी बिकॉज इतने स्टिचेस लेकर भी ही इज पेइंग, नीचे से लेके ऊपर तक, खाकी से लेके काले कोट तक, इतना पे कर रहा है, इतना पे कर रहा है कि राखी सावंत एक बार जेल में जाए. बेटा तू थक जाएगा, मेरा ही पैसा मुझे जेल में डालने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, सबको खरीद रहा है, स्पेंड कर रहा है अंधाधुंध. एक साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूं, इसीलिए मैं ना बॉलीवुड में काम कर पा रही हूं, ना ये कर रही हूं. बस ये कह के बस उसके अरेस्ट करो, जितना चाहिए उतना ले लो, उसे अरेस्ट करो. और गुना क्या है? गुना कुछ भी नहीं है विकी जी, गुना यही है
कि उसने मेरा फोन हैक किया और अपना एक न्यूड वीडियो वहां से उसने वायरल किया और उसने मेरे पे केस किया क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम है। और पुलिस ने जब इंक्वायरी किया तो उसमें 2000 लोगों का शेयरिंग मिला, लेकिन गुनाहगार सिर्फ उसने मुझे ही ठहराया पुलिस ने, ना कि किसी और को। क्यों? क्योंकि बस वो ठान के बैठा कि वो 6 7 8 महीने रेप केस में, वो एक ईरानी लड़की के रेप केस में जेल में गया, तो वो सारा बदला मुझे ले मुझसे लेना चाह रहा है। अभी उसका कोई मेरा भी खुदा है, कोई कॉल आया मेरा भी खुदा है, किसी का अकेले थोड़ी, मेरा भी खुदा है, मैं तो बेकसूर हूं, लेकिन कोर्ट ये साबित ही नहीं कर पा रही है। कोर्ट को मैं क्या बोलूं? कोई कॉल आया आपको कि कैसे हो आप आदिल से? वो तो कह रहा है कि मेरे से मांडावली करो तो मैं तुम्हें बेल करा दूंगा, पुलिस को बोल के, कोर्ट को बोल के, मैं अपने वकीलों को बोल के तुम्हारे पीछे नहीं पड़वाऊंगा, मुझे मांडावली करो, मेरे केसेस वापस लो। मेरी मां मरी है, मेरा पैसा उसने लूट लिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी जगह पे और कोई लड़की होती तो फांसी लेकर मर जाती, जितना इसने मुझे दर्द दिया है। क्या लोग मेरी पीड़ा तब समझेंगे जब कोई लड़की फांसी ले लेती है, तभी उसकी पीड़ा समझी जाती है? आई डोंट थिंक सो। मैं जो दर्द में रही हूं ना, उसने मुझे इतना झूठा झूठा बदनाम किया हर जगह, मेरे 8 8 साल के दोस्तों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके मीडिया में बिठा बिठा के उसने मुझे बदनाम किया, और बगैर तलाक दिए उसने दूसरी शादी कर ली है। मैंने सारे केसेस डाले हैं, फाल्गुनी जी मेरे एडवोकेट है, बगैर तलाक लिए उन्होंने शादी करी, वो भी केसेस है, 3.5 करोड़ के चेक मेरे पास है, वो भी केसेस है, कहां बच के जाएगा भाई? ये आपकी एक फ्रेंड है राजश्री मोरे, उसके साथ भी आपका पंगा हो गया है, उन्होंने भी कुछ केस फाइल कर दिया है, और एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ आप बहुत समय बिताते थे उसके बिल्डिंग में, उसके घर में, राजश्री, नाम राजश्री मोरे। नहीं, राजश्री मोरे के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही हूं। मुझे इतना पता है कि सुबह का बुला शाम को आ जाता तो भुला नहीं कहता, उसको मैंने दिल से चाहा था, दिल से मेरी दोस्त थी, माँ का दर्जा दिया था मेरी माँ के बाद, बट आदिल की बातों में आके उसने क्या कर दिया मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही। लेकिन क्या ये दोस्ती फिर से हो सकती है? मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं मालूम है, पर कहीं ना कहीं उसे पछतावा है के उसने उसकी बातें क्यों सुनी जो मैंने सुना है। बहुत ज्यादा उसने उसके साथ बुरा किया है। आदिल खान दुरानी ऐसा ही है, फेस ऑफ है, चेहरे के पीछे एक दरिंदा है, और मैं उसके साथ उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूं। ये जो बीवी के साथ में सारी वीडियोस और ये सब बना रहा है ना, ये सारी चीजें मेरे साथ कर चुका है, मेरे साथ वैसी सारी वीडियो, करोड़ों वीडियो पड़ी हुई है। यही है कि उसको गरीब बीवी मिली है दूसरी, या अमीर है मुझे नहीं पता मैं तो उसको अमीर मिली थी तो उसने मुझे पूरा लूट लिया, मैं तो प्यार में बह गई थी, घर बसाना चाहती थी इज्जत से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल करेगा पैसों से, दिमाग से, शरीर से, बॉलीवुड में आने के लिए। क्या पाया उसने? कुछ भी नहीं, नहीं है 8 महीने जेल जाके बैठा रेप केस में, ईरानी लड़की के इस बॉलीवुड में कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक? अभी तक उनका कुछ भी नहीं, होगा भी नहीं। आप किसी को अपने फायदे के लिए मार दोगे, खुदा कभी साथ नहीं देता। ऊपर से झूठी कुरान की कसम खाई है, कुरान पे हाथ रख रख के मुझसे कि मैं कुरान की कसम खाता हूं कि कभी धोखा नहीं दूंगा बिजनेस में, शादी में, उसने तो अभी मुझे तलाक भी नहीं दिया और उसने शादी कर ली। कहां का मुसलमान है ये जिसने कुरान को धोखा दिया, कुरान पाक को? इंसान है ना, मर जाता है लेकिन कुरान की झूठी कसम नहीं खाता है, राखी तो वो इंसान को क्या छोड़ेगा? कसमे वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, कोई किसी का नहीं ये छूटे, ये सब धोखे हैं, धोखा दिया उसने मुझे। बट मुझे कोई, अभी मैं अपनी जिंदगी बहुत बेहतर, मैं अल्लाह का, खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ, बट आई एम सो हैप्पी कि अभी फाल्गुनी है मेरे साथ, और फाल्गुनी और हमारे अशोक जी जो है
बहुत बड़े एडवोकेट है, वो मेरा केस लड़ रहे हैं, उनको इनका आदिल खान दुरानी का सात पुश्त भी उनको खरीद नहीं सकता। दुबई में अब जब बाहर निकलते हो तो लोग पीछे पड़ते हैं, जैसे बॉम्बे में आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऑटोग्राफ सेल्फी बहुत ज्यादा बेइंतहा। अभी मुझे बिग बॉस का ऑफर भी आया है ओटीटी का, ये जो अभी चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी जब कोर्ट का मामला ठीक हो जाए देन आई कैन थिंक फॉर इट। तो बिग बॉस में आपने ऑलरेडी एक जंग छेड़ दी है पायल के साथ, पायल मलिक, आपने उसके शादी पे कमेंट किया, ये फिर दुनिया बोला में कि भलाई का जमाना नहीं है विकी। मुझे ऐसा लगा कि पहली बीवी है बिचारी के साथ अन्याय हुआ है, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही 7 दिन में ये शादी करके भागी थी, फिर उसकी शादी में उसकी फ्रेंड पूरा शादी का सब कर रही है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड 7 दिन में अपने दूसरे उससे पति से शादी कर ली। शेम ऑन देम कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, मुझे तो, मैं तो दया के कारण, वो पायल को मुझे दया आई और मैंने इसके लिए वीडियो बनाई कि हे बिग बॉस वालों की इसके बिचारी के साथ। लेकिन इसको तो बस रहमानी सुलेमानी बेईमानी अरमानी कीड़े निकले पायल मलिक में, वो मेरे खिलाफ ही मुझे मेरे खिलाफ ही मेरे नाम से पब्लिसिटी लेके मेरे पास्ट के बारे में बात कर रही है। उस गधी को अक्कल को समझाओ कि तुम लोग बिग बॉस में गए तो तुम लोग का तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोच रही, मैं बिग बॉस में जब एक बार जाते तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, तो उनके बारे में पूरे दुनिया वाले बात करते हैं, लेकिन उसने मुझे चुना और देबोलिना को चुना ताकि वो पब्लिसिटी हमारे नाम की गंदी पब्लिसिटी खा सके, चीप पब्लिसिटी खा सके हमारे नाम की। ऐसी औरतों तो लानत ऐसी औरतों पे पायल मलिक जैसी, शेम ऑन देम, लानत ऐसी औरतों पे लगदी, लानत ऐसी औरतों पे जो हिंदुस्तान का समाज खराब करती है। कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मतलब वो चाहती है कि हिंदुस्तान के हर पति दो दो शादियां करे। कहती मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो अपने अपनी सौतन के साथ बहुत खुश हूं, हमारे चार चार बच्चे हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहती है ये औरत के हर पति दो दो शादियां करे, मतलब ये पति को तो, मतलब आप समझ रहे हो, मजे हो गए ना घर वाली बाहर वाली, मतलब हमारी हिंदुस्तान की औरतें कहाँ जाएगी। ये पायल जैसी औरत है जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कलंक है ये। मैं तो उसको मैं तो बिचारी समझ के सपोर्ट करने गई थी, लेकिन ये तो हमारे नाम की पब्लिसिटी खा रही है। इसको अच्छा हुआ इसको धक्के मार के अंदर से निकाल दिया, बिकॉज अंदर ये कुछ भी नहीं कर रही थी, बहुत बोर कर रही थी, बहुत बोर कर रही थी। इससे इससे एंटरटेन तो उसकी सौतन है जो बार बार अपने पति को चिपकती रहती है। कृतिका, कृतिका, शेम ऑन, इनको इनको शर्म नहीं आई, और क्या नाक लेके अंदर गए कि दो दो बीवियां हैं मेरी भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमानों में चार बीवियां अलाउड है, वो भी उनके भी लॉ है भाई कि पहली बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी कर सकते हैं, दूसरी को नहीं तो पहली वाली को उतना ही समाज में रिस्पेक्ट देना पड़ता है, मुसलमानों में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, और वो मेरा ही गिनवा रही है मुझे। मेरा क्या गिना, मेरी तो जिंदगी एक खुली किताब है, तू क्या मुझे बोलेगी, क्या मुंह लेकर बोलेगी तू, क्या पायल तू क्या मुंह लेके हमको बोलेगी, तूने तो हिंदुस्तान के समाज पर धब्बा हो तुम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, पूरे हिंदुस्तान को यह दिखाना चाहते हो कि एक हस्बैंड दो दो बीवियां रखे, चार चार पांच पांच छह छह आप जानते थे बच्चे इनके बारे पैदा में? करे, आप तीन जानते थे? तीन 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 बीवियां रखे हैं। आप जानते थे इनके बारे में या पहले? हैड यू मैं तो हर्ड बिग अबाउट? बॉस, मैंने कभी इन लोग के बारे में नहीं सुना, ये तो कभी बिग बॉस में आए तभी मैंने देखा, मैंने कहा हाय बिचारी पे बड़ा अत्याचार हुआ, तो लड़ना चाहिए था, वो तो खुश है अपनी बीवी अपनी सौतन के साथ, वो समाज को कहना चाहती है अगर तुम्हारा पति दूसरी बीवी ब्याह के लाए तो सौतन के साथ खुश रहो घर में, कि दो दो तीन तीन बीवियां करें। सवाल ये भी है कि बिग बॉस अभी सब यूट्यूबर्स को बुला रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है, आर यू लाइकिंग इट दिस वे और वाज इट द प्लेस? मुझे तो शौक है कि ये हस्बैंड वाइफ को बुलाया, बहुत अच्छा हुआ, इनका भांटा फूटा तो एटलीस्ट लोग सतर्क हो गए कि बेस्ट फ्रेंड से बच के रहो और ऐसी
लग दी लानत वाली पायल जो है वो दूसरों के नाम की पब्लिसिटी खाने वाली छिपड़ी, छिपकली जैसी शक्ल वाली, बदसूरत दिमाग वाली, ऐसे औरत से बच के रहना चाहिए समाज में, क्योंकि ऐसे समाज के नाम पे धब्बा है। जो लोग हिंदुस्तान के लोगों को बोलते हैं कि दूसरी बीवी लाओ और सौतने लाओ और उनको अपना लो, इसको बोल कहते कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैं घर चली गई। इसकी स्टोरी सुनी मैंने, अरमान ने इसको बहुत अत्याचार किया ये तो, और बिग बॉस में जाके चुप बैठ गई। बिग बॉस में बोली बहुत अच्छा पति है मेरा, बहुत अच्छा पति है मेरा, क्योंकि उसको मालूम है ना कि अगर ये बुरा बोले कि बाहर आके उसकी कुटाई होगी, उसकी पिटाई होगी, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा जायदाद से। इसलिए पति की तारीफ करती थी, झूठी पति की तारीफ कर रही थी। तो ये बिग बॉस में ये तीनों तीनों बिग बॉस में क्या जलेबी बट रही थी, पिकनिक मनाने गए। और हिंदुस्तान में ऐसा कि दूसरी बीवी करनी है तो मुस्लिम होना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज मुस्लिम होकर दूसरी शादियां करी है। इसका मतलब यह है कि दूसरी शादी करते टाइम क्या ये अरमान मलिक मुस्लिम हुआ था? मतलब इसने हिंदुस्तान के समाज की धज्जियां उड़ा दी है। मुझे ये बताओ, आप बिग बॉस मतलब देख बहुत ध्यान से रही है, तो कौन आपको लग रहा है कि इस बार जीत सकता है, और कौन और भी हैं जो बोर कर रहे हैं आपको? बहुत लोग बोर भी कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे। और ये पायल कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, अभी तो मैंने मैंने तो अपना ड्रामा शुरू ही किया था। अरे तेरे ड्रामे पहले दिन से शुरू हो गए थे, तो क्या अंदर जलेबी अंदर पिकनिक मनाने गई थी? बेवकूफ है तू एक नंबर की, बाहर आके हमारा नाम की पब्लिसिटी खा रही है। तुझे क्या लगा राखी सावंत कुछ नहीं बोलेगी? हमारे नाम की पब्लिसिटी खा रही है बाहर आके, उसको लगा राखी सावंत के नाम की पब्लिसिटी खाएंगे, उसके खिलाफ फालतू बातें करेंगे और देबोलीना के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमको बिग बॉस वापस ले लेंगे। अभी तुझे कोई वापस नहीं लेगा, तुझे धक्के मार के भगा दिया बिग बॉस ने, हाँ, तो क्योंकि आपको क्योंकि तूने अंदर कुछ नहीं किया, कोई एंटरटेन नहीं किया, फिर बिग बॉस की रोटियां तोड़ने गई थी तू, खाना बनाने गई थी, खाना खाने गई थी। तो और कौन बोर कर रहा है आपको? आपने बोला बहुत है, एक दो तो बता दो। ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना करते हैं, वहां पे एंटरटेनमेंट देते हैं। मैंने तो ये हस्बैंड वाइफ को देखने के लिए मैंने देखा था। अच्छा, अभी बंद कर दिया? हाँ बंद नहीं किया, टाइम नहीं मिलता। जब तक ये ट्रायंगल था तब का। मुझे टिकटॉक पे भी जाना होता है ना, पूरा दिन पूरी रात मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। सो यू आर अर्निंग वेल, यू आर लिविंग वेल, मैंने तो इसके वीडियो बनाए थे इसको सपोर्ट करने के लिए, यू आर हीलिंग बट इसको वेल। ये लायक नहीं है, ये लायक नहीं है सपोर्ट के। इसने बाहर आके हमारे नाम की पब्लिसिटी खाना शुरू कर दिया, हर इंटरव्यू में जाके मेरा नाम ले रही है, मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रही है। और देबोली ना, हम लोग बड़े स्टार है ना, हम लोग बड़े स्टार है ना, और ये तो अभी नल्ली है ना, इसको कोई जानता नहीं है, इसको थू थू कर रहे। अरे अपने पति को कुछ तो बोलती, दूसरी शादी करके लाया तो कुछ तो गालियां देती, कुछ तो बोलती, बट इसने अपने पति को कुछ नहीं बोला। बोलती है ठीक है जी मुझे रख लो बच्चों के साथ, क्या बोलने का, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब यह कि समाज में जो बंदा हिंदुस्तानी दूसरी बीवी लाए तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, घर में रख लो। ये बेचारी नहीं है, बेचारी नहीं है, हम बेचारी समझते थे, लेकिन हमारा नाम खराब कर रही है ये। तो राखी, व्हाट इज विद द ट्यूमर? जो ट्यूमर निकला था वो टेस्ट के लिए तो जरूर गया होगा। हाँ डॉक्टर वो ने अभी तक मुझे बताया ही नहीं है, बताएंगे बता ही नहीं रहे वो मुझे डॉक्टर। कैसे? नहीं, वो तो दैट्स देयर ड्यूटी टू टेल देम। हाँ लेकिन नहीं बता रहे, मैंने कितनी बार उनको फोन किया है। यू गेट वेल सून राखी, एंड लिविंग वेल, यू आर हीलिंग वेल, यू आर अर्निंग वेल। आई थिंक दैट काउंट्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इसने तो, ये दुरानी ने तो मुझे पूरा लूट लिया था, बैंकरप्ट कर दिया था, मेरा पूरा पैसा सब कुछ,
कोर्ट वोट में सारे केसेस डाले हैं, लेकिन मैं परमेश्वर खुदा की शुक्रगुजार हूं कि अभी मैं अपने अकेले के लिए जीती हूं और बहुत बेहतर जिंदगी जी रही हूं, बहुत ही बेहतर अब मेरी जिंदगी। मतलब मेरी जिंदगी से गंदे लोग चले गए और आज की तारीख में बहुत अच्छी वीडियो कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपने 4 घर ले लिए हैं दुबई में, 3 घर ले लिए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने 2 घर लिए, दो घर मैं लूंगी क्योंकि मुझे टिकटॉक पर मैं अच्छा कमा लेती हूँ। टिकटॉक से लिया और मुंबई का एक घर बेच दिया, मैंने मुंबई का एक घर बेच दिया। अच्छा, 2 घर की क्या जरूरत? मुंबई का एक घर बेच दिया तो वो मुंबई में ही ले रही हूँ। एक बेच के मेरे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे मुझे। अच्छा, तो दुबई में 2 लिए? हाँ, मतलब वो 1% डेन्यूब का घर लिया है रिजवान भाई का, जो सलमान खान ने अभी यहाँ पे लॉन्च किया, जो आपको 8 साल तक 1-1% भरना पड़ता है। आप स्टार्टिंग का 20% दो और आपको 8 साल तक 1-1% भरना पड़ता है डेन्यूब का, रिजवान भाई का, बहुत इजी रहता है। ओके, वो घर लिया है और एक दूसरा भी अभी टिकटॉक से कमा के ना, टिकटॉक से कमा के वो भी लिया है मैंने। एक गाड़ी भी ली है, सलमान के मैं टच बहुत मजे में रह रही हूँ यहाँ, सलमान बहुत के टच मजे में रह रही हूँ, कोई कोई टेंशन नहीं है मुझे। सलमान के टच में हो? हमेशा हूँ भाई, हमेशा टच में, सोहेल भाई, सलमान भाई, हमेशा टच में। वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलते, वो बोलते नहीं है बट वो मदद कर जाते हैं बगैर बोले। तो ही हैज हेल्प्ड यू इन दिस मेडिकल यस, एक्सपेंसेस, मेडिकल आपका पूरा? जब खुदा उन्हें बहुत अच्छी जिंदगी दे, खुदा उन्हें बहुत तरक्की दे, सारी परेशानियां दूर करे, मेडिकल में आपको वो हेल्प हमेशा किया, जो मदद, आपका वो हमेशा मदद करते हैं मुझे, जो आपका हमेशा मदद। हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जो आपका हुआ उसमें हेल्प किया उसमें? जी, बिल्कुल। थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज कीप फिट, प्लीज कीप हेल्दी, एंड मैं अभी वॉक करके आई, मुझे अभी डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे वॉक करना है, हाँ, वो कुछ प्रिकॉशंस होंगे, कुछ ठीक ये है। मत करो, वो मत करो, हाँ, वो क्या मुझे है? बहुत सारा, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, हाँ, तो खाने पीने का कुछ सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, स्टमक में पेन है, बहुत सारी चीजें थे। मतलब 2-3 महीने तक ऐसा रहेगा बट मैं वॉक कर रही हूँ, सब ठीक कर रही हूँ। अगर इंशाल्लाह अगर मैं बिग बॉस में गई तो मजा आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।